तो हेलो एंड वेलकम गाइस, जैसे कि आपको पता होगा कि 1.6 का अपडेट वो बहुत ही जल्द पीछे एमआई के अंदर आने वाला है। तो आज के सवाल वीडियो में गाइस आप लोगों को टॉप 10 ऐसे न्यू फीचर के बारे में बताने वाले जो कि बहुत ही जल्द पीछे एमआई के अंदर आने वाला है। तो अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को कम्प्लीट एंड तक वॉच करना। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो लूंगा तो पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अभी गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अभी गाइस चलते हैं नंबर 1 फीचर की तरफ। तो गाइस यहां पर 1.6 अपडेट के अंदर आप जैसे सेटिंग के अंदर जाओगे तो सेटिंग के अंदर जाने के बाद गाइस यहां पर आपको हर एक फीचर जो है आपको 3 कैटेगरी में देखने को मिल जाएगा। पहला जो कैटेगरी है वो है एम एंड टैप टू फायर। यहां पर गाइस आपको फायर से रिलेटेड जो भी ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहां पर एडवांस फीचर के अंदर आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल मार्क फीचर, उसके बाद आपको जंप एंड क्लाइम का ऑप्शन, उसके बाद क्विक थ्रो फीचर मिल जाएगा जो कि ऑन ऑफ कर सकते हो, उसके बाद गाइस आप डेथ रिप्ले भी ऑन ऑफ कर सकते हो यहां पर आकर। उसके बाद गाइस आपको जो नेक्स्ट कैटेगरी देखने को मिल रहा है प्राइवेसी एंड सोशल। तो प्राइवेसी एंड सोशल के अंदर आपको क्या मिलेगा, इन मैच लाइक फीचर, उसके बाद आप शो आउटफिट जो ऑप्शन वो भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो, उसके बाद अलाउ एक्सपेक्टेड का ऑप्शन भी ऑन ऑफ कर सकते हो जो कि काफ़ी ओपी है। 3 कैटेगरी में यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन को यहाँ पर डाल दिया गया। तो अभी गाइस बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो 1.6 अपडेट के अंदर गाइस हमें एक न्यू फीचर मिलेगा वो है हाईलाइट्स फीचर। तो गाइस आप जैसे सेटिंग के अंदर जाओगे उसके बाद आपको चले जाना है प्राइवेसी एंड सोशल के अंदर। तो जैसे आप प्राइवेसी एंड सोशल के अंदर जाओगे आपको यहाँ पर डेथ रिप्ले के ऊपर आपका एक न्यू ऑप्शन मिलेगा वो है हाईलाइट्स फीचर। तो गाइस ये जो हाईलाइट्स वो किस तरीके से काम करता है, मान लो आप नॉर्मल से क्लासिक मैचेस खेलते हो, अगर आप इसको ऑन करके खेलते हो गाइस आप किस भी स्कोर को क्लच करके फिनिश कर देते हो तो वही जो मोमेंट वो यहाँ पर गाइस आपका हाईलाइट बन के आ जाएगा। तो वो हाईलाइट जो गाइस आप उसको देख सकते हो। और गाइस ये जो हाईलाइट्स फीचर आपको पता होगा कि पबजी पीसी के अंदर भी अवेलेबल है। तो जब भी गाइस आप किसी भी स्कोर को क्लच करते हो आप उसी हाईलाइट को देख सकते हो। तो अभी गाइस बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो नेक्स्ट जो अपडेट है वो है गाइस 1.6 अपडेट के अंदर हमारा जो आरपी पॉइंट उसका जो लुक, यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा जो कि गाइस अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो 1.6 अपडेट के अंदर यहाँ पर आरपी का जो लुक उसको चेंज कर दिए गए। गाइस अगर आप 1.5 अपडेट खेलते हो तो 1.5 अपडेट के अंदर आपको आरपी पॉइंट का जो लुक वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन 1.6 अपडेट के अंदर उसका जो लुक यहां पर चेंजेस कर दिए गए जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हो। तो अभी गाइस बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो गाइस अब जैसे सेटिंग के अंदर जाओगे यहां पर नीचे जाने के बाद गाइस आपको यहां पर सर्वर चेंज का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। गाइस 1.6 अपडेट के अंदर अगर आप सर्वर को चेंज करना चाहते हो तो यहां पर आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे यहां पर जाकर गाइस आप जो सर्वर को चेंज कर सकते हो। तो पहले क्या होता था गाइस यहां पर आपको जैसे आप सेटिंग के अंदर नीचे जाते हो तो आपको सर्वर चेंज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन गाइस 1.6 अपडेट के अंदर आप जैसे यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे आप जो सर्वर को चेंज कर सकते हो जो कि काफी ऑफिसर फीचर है। तो अभी गाइस बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो गाइस 1.6 अपडेट के बाद जैसे आप स्पॉन आइलैंड के अंदर आते हो तो स्पॉन आइलैंड के अंदर आने के बाद गाइस यहाँ पर जो फ्यूचरिस्टिक जो रोबोट उसके सामने गाइस यहाँ पर आपको एक एलईडी स्क्रीन मिलेगा। गाइस यहाँ पर एलईडी स्क्रीन तो अभी बीटा वर्जन के अंदर ग्लिच के कारण यहाँ पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन गाइस जितना मुझे लग रहा है कि 1.6 अपडेट जैसे फाइनल वर्जन आ जाएगा तो फाइनल वर्जन आने के बाद गाइस यहाँ पर जो एलईडी स्क्रीन यहाँ पर कुछ जैसे कि हमारा कौन सा मिशन जैसे कि कंप्लीट नहीं है हुआ वही मिशन यहाँ पर शो होगा, कौन सा मिशन हमें कंप्लीट करना पड़ेगा वो यहाँ पर एलईडी स्क्रीन के अंदर शो होगा। तो उससे रिलेटेड गाइस कुछ भी यहाँ पर न्यू अपडेट आता है तो मैं आप लोग को अलग से वीडियो में बता दूंगा। तो बहुत ही सही फीचर है गाइस 1.6 अपडेट के अंदर हमें बैटल ग्राउंड मोबाइल इंटे के अंदर देखने को मिलेगा। तो अभी गाइस बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। 1.6 अपडेट के अंदर हमें एक न्यू फीचर देखने को मिलेगा वो है शॉर्ट रूट फीचर। तो गाइस ये जो फीचर वो किस तरीके से काम करता है आपको पता होगा कि इस वर्जन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, जिस भी डायरेक्शन पे प्लेन पास जाता है उसी डायरेक्शन पे हमें एक मार्कर से मार्क लगा देना पड़ता है क्योंकि इससे आइडिया हो जाता है कि किस डायरेक्शन पे बंदे लोग उतरेंगे। लेकिन इस 1.6 अपडेट जैसे ही आ जाएगा तो 1.6 अपडेट आने के बाद गाइस यहां पर आपको एक न्यू ऑप्शन मिलेगा जिसे आप मैप को ओपन करते हो शो रूट। तो जैसे आप शो रूट के ऊपर क्लिक करोगे यहां पर जिस भी डायरेक्शन में प्लेन गुजरेगा उसी डायरेक्शन पे यहां पर मार्क ऑटोमेटिकली हो जाएगा जो कि आप लोग देख सकते हो। यहां पर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस डायरेक्शन में जो यहाँ पर प्लेन गया है उसी डायरेक्शन पे आप जा सकते हो, उसी डायरेक्शन पे जो जोन बन जाएगा जो एक काफी ऑफिसर फीचर है। तो गाइस अभी बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो 1.6 अपडेट के अंदर हमें एक न्यू फीचर देखने को मिलेगा वो है पंचिंग एनिमेशन फीचर। तो गाइस ये जो फीचर वो क्या है गाइस, अगर आपका पता होगा कि आपका जो कैरेक्टर वो पहले क्या होता है कि आपका जो कैरेक्टर वो नीचे से पंच लेके जाता है, लेकिन 1.6 अपडेट के अंदर आपका जो कैरेक्टर वो ऊपर से पंच लेके जाएगा। गाइस अगर आप इसको दोनों को कंपेयर करोगे 1.5 और 1.6 को तब भी आपको पता चलेगा, लेकिन अगर आप नॉर्मली ऐसे देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो अभी गाइस बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो 1.6 अपडेट के अंदर हमें एक न्यू फीचर देखने को मिलेगा वो है कंटिन्यूअसली यूज बैंडेज। गाइस आपको पता होगा कि हमारा हेल्थ अगर खत्म हो जाता है, अगर हम
किसी भी बैंडेज को यूज़ करते हैं तो कंटिन्यूसली गाइस वो जो बैंडेज वो होते ही रहता है गाइस। हम उसको कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम कैंसिल करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जो बैंडेज वो कैंसिल होता ही नहीं। लेकिन गाइस 1.6 अपडेट के बाद से अगर आप सेटिंग के अंदर जाते हो तो सेटिंग के अंदर जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको एक न्यू ऑप्शन मिलेगा, वो है कंटिन्यूसली यूज बैंडेज। गाइस अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो आपका जो कैरेक्टर वो कंटिन्यूसली बैंडेज मतलब कि यूज़ करते ही रहेगा। लेकिन गाइस अगर आप इसको ऑफ कर देते हो तो जैसे गाइस आप एक बैंडेज यूज़ करोगे आपका जो कैरेक्टर वो दूसरा बैंडेज वो ऑटोमेटिकली यूज़ नहीं करेगा। लेकिन गाइस अगर आप उसी फीचर को वापस से ऑन कर देते हो तो कंटिन्यूसली आपका जो बैंडेज वो यूज़ होते रहेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करते गाइस अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो ऑन कर सकते हो, नहीं तो आप ऑफ करके छोड़ दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अभी गाइस बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। 1.6 अपडेट के अंदर गाइस एक न्यू फीचर देखने को मिलेगा, वो है हेडशॉट साउंड इफेक्ट। गाइस अगर आप किसी भी एनिमी के हेड पे बुलेट कनेक्ट करते हो पहले क्या होता था गाइस एक नॉर्मल सा इफेक्ट आता है, लेकिन 1.6 अपडेट जैसे ही आ जाएगा तो 1.6 अपडेट आने के बाद से गाइस अगर आप किसी भी एनिमी के हेड पे बुलेट कनेक्ट कर देते हो तो यहाँ पर मेटल के ऊपर जैसे आप फायर करते हो जैसे आवाज आता है वही साउंड आएगा, आप लोग यहाँ पर सुन सकते हो। या फिर मैं आप लोगों को सुना देता हूँ जिससे कि आप लोग यहाँ पर सुन लिया होगा कि मेटल के जैसा कुछ साउंड आता है, तो आपको पता चल जाएगा कि उसी बंदे के आपने बुलेट कनेक्ट किया वो है हेड पर। तो काफ़ी यूजफुल फीचर है जो कि मुझे काफ़ी ओपी लगा। तो आपको कैसा लगा गाइस आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो अभी गाइस बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में। तो 1.6 अपडेट के अंदर गाइस यहाँ पर हमारे जो रेटिंग का आइकन उसके यहाँ पर कुछ चेंजेस किया गया जो कि गाइस अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। गाइस 1.6 अपडेट जैसे आएगा यहाँ पर कुछ यूनिक से लगे, इसी के वजह से यहाँ पर रेटिंग का जो आइकन उसको चेंज कर दिया गया, तो काफ़ी ओपी से लग रहा है। जैसे कि इस 1.6 अपडेट आ जाएगा BGMI के अंदर तो यहाँ पर आपको सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को 10 ऐसे फीचर के बारे में बताया जो कि बहुत ही जल्द बैटलग्राउंड मोबाइल इंटेक के अंदर आने वाला है। तो आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने स्क्वाड के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हुए वीडियो में तब तक के लिए।